हाँ जी डॉक्टर साहब, आप कैसी है मेरी माँ? कौन, बेटे हो आप उनके? जी। अच्छा, देखिए ऐसा है कि आपकी मदर को हार्ट अटैक पड़ा है। दिल का दौरा जिसे कहते हैं, मेजर अटैक था। कुछ बुजुर्ग लोग आपकी माँ को सही समय पर यहाँ पर ले आए, जिससे कि हम उनकी जान बचाने में कामयाब रहे। थैंक यू डॉक्टर साहब। अगर कुछ लेट और हो जाता या आधा पौन घंटा और लेट हो जाते लाने में, तो कुछ भी हो सकता था। अब आपको रिसेप्शन पहुंचकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, वो आप करवा लीजिए। वो सब मेरी सेक्रेटरी कर रही है। क्या मैं अब अपनी माँ से मिल सकता हूँ? ठीक है, मिलवाते हैं, आइए। अम्मा जी, कैसी तबीयत है? ठीक है। कोई परेशानी नहीं? अब दर्द कैसा है? ठीक है। अब कैसा महसूस हो रहा है पहले? अच्छा से महसूस हो रहा है। चलिए अब आप सोने की कोशिश कीजिए, ठीक हो जाओगी आप। देखिए ऐसा है, वैसे सब चीजें बिल्कुल ठीक है, और जो मैक्सिमम किया जा सकता था वो सब कुछ हमने कर दिया है। बाकी दवाएं हम लगा रहे हैं, दुआएं आप लोगों की हैं, चिंता वाली कोई बात नहीं है, बस उनका ख्याल रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। कैसी हो माँ? ठीक हूँ। चिंता मत करो माँ जी, अब हम आ गए हैं। सर, ये हैं वो लोग जो आपके माताजी को लाए थे। थैंक्स अंकल, पर मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। तुम सही कह रहे हो बेटा, तुम हमें नहीं पहचानोगे, क्योंकि हम तुम्हारी माँ के व्हाट्सएप फ्रेंड हैं। क्या व्हाट्सएप फ्रेंड? ये माँ भी पता नहीं क्या क्या करती रहती है। 60 प्लस नाम का व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा। इस ग्रुप में 60 साल और उससे ऊपर की उम्र के लोग जुड़े हुए हैं। इस ग्रुप से जुड़े हर एक मेंबर को रोजाना एक मैसेज भेजकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। साथ ही आसपास के बुजुर्गों को इस ग्रुप से जुड़ने की जिम्मेदारी भी दी जाती है। और महीने में एक दिन हम पार्क में मिलने का प्रोग्राम भी मनाते हैं। जिस दिन कोई मेंबर मैसेज नहीं भेजता है, उससे लिंक लोगों के द्वारा उसके घर जाकर उसके हाल चाल का पता लगाया जाता है। आज से तुम्हारी माँ का मैसेज ना आने पर हम सब उनके घर पहुँच गए। माँ से अंतिम बार तुमने कब बात की थी बेटा, क्या तुम्हें याद है? हाँ, पिछली दिवाली को जब मिठाई देने गया था तब मुलाकात की थी। बेटा, माना तुम अपने बुजुर्गों को सारी सुख सुविधाएं देते हो, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन एकाकीपन में जीते हैं। बेटा, तुम्हारी दी हुई इन सारी सुख सुविधाओं के बीच कोई माँ बाप अकेले घर में कंकाल ना बन जाए, बस यही सोचकर हमने ये 60 प्लस ग्रुप बनाया है। वरना दीवारों से बात करने की तो हम सबको आदत पड़ चुकी है। आप सही कहते हैं अंकल, मैं ही बिजनेस में इतना उलझा रहा कि 20 मिनट की दूरी पर बने माँ के घर जाना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया था, ये मुझे आज समझ में आया है। बेटा, घर के बुजुर्गों को तुम्हारी सुख सुविधाएं नहीं, तुम्हारे घर का साथ चाहिए। बेटे, रिश्ते बिल्कुल कांच की तरह होते हैं, अगर इन्हें संभाल के नहीं रखोगे तो टूटेंगे भी और चुभेंगे भी। बेटा, जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त ही हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। बेटा, रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह कीजिए, क्योंकि दोनों को कमाना तो आसान है लेकिन संभालना बहुत मुश्किल है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। बेटा, घर के बुजुर्ग गमलों में लगे पौधों के समान होते हैं, इनका ध्यान ना रखा जाए तो सूखने लगते हैं। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैं तो आपसे पहले ही बोल रही थी कि माँ जी को अपने साथ रखो, आपने मेरी एक भी नहीं सुनी।
पर मैं आपकी अब नहीं सुनूंगी। अब माँ जी हमारे साथ रहेंगी। नहीं पूजा, माँ जी हमारे साथ नहीं, हम माँ जी के साथ रहेंगे। आओ पूजा, माँ जी के पास चलते हैं। माँ अब हम आपके साथ रहेंगे।